काफी फासले पे रहना। ओए वो सीढ़ी भी लगाई हुई है पीछे रह भाई जी, मतलब भाई लाइट दीजिएगा थोड़ी सी। जिन्नात अगर यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे, वीरानों में बियाबानों में। खजाने की तलाश, ये तो हम जानते हैं कि आज भी लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे जंगल, वीराने, पहाड़ और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर इस कोशिश में खुदाई करते नजर आते हैं जहां से उनको कुछ ऐसा मिल जाए जो उनके माल और शोहरत में इजाफे का सबब बन सके। जी हाँ, ऐसी ही एक कोशिश की गई कराची के इलाके सोहराब कोट के पास वाक़े इस कुएं में, जिसका नतीजा उनकी सोच के बिल्कुल ही बरक्स निकला। देखने वाले बताते हैं कि इन खुदाई करने वालों को खजाना तो नहीं बल्कि उसकी जगह एक बहुत बड़ा सांप और मुख्तलिफ शक्लों की मखलूकात मिली जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। और आज एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उन मखलूकात को इस कुएं से निकलते देखा जाता है। खौफ की इंतहा यह है कि अब ये पूरा इलाका ही खाली हो चुका है। वो क्या है? लोग पहले जो कारोबार वगैरह करते जी, थे जी, जी, जी। उस तरह से उसमें भी असर पड़ गया है। अभी जो ना यहाँ पे लोगों ने कारोबार करना भी छोड़ दिया, जैसे कि आबादी वगैरह वो भी उस तरह से वो भी मुतासिर हो गई है। फसल वगैरह लगाते हैं वो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे बहुत खतरनाक जिन्नात है। रात में या दिन में ये कभी भी किसी के साथ कोई मसला हो सकता, किसी भी टाइम पर जी। रात रात को आते थे छुप छुप के। अच्छा। लोगों ने खुदाई करते रहे, इनको असल में कोई लालच थी खजाने की। ओए होए, इस दिन रात छुप के इसको खुदाई की, फिर खोदते खोदते खोदते, लेकिन उनका जो मकसद है खजाना वो नहीं निकला। उन लोगों का नुकसान भी हुआ था काफी, एक दो जाने भी गई थी उन लोगों की। कैसे? जैसे कि सांप निकला था वहाँ पे, गोल सर्कल में काटा, खुदाई किया गया। अच्छा। फिर ये पता नहीं कौन कौन से मसले हुए, फिर कोई बारिश की वजह से क्या, फिर ये कुआं बड़ा होता गया, इसकी मिट्टी गिरती गई। आप लोगों ने किसी आमिल साहब को, आलिम साहब को बुला के चेक करवाया कि भाई इधर क्या हो गया, मसला है क्या? ये कभी हमने नहीं किया, लेकिन हमने इसको छोड़ दिया, ऐसे वीरान कर दिया। और हमारा भरोसा उड़ गया इस बात पे कि भाई अब यहाँ से, यहाँ पे कोई हमारे को फायदा होने वाला है। अल्लाह, जगह ही छोड़नी पड़ी। आपके बड़ों ने भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि इसको सही कर लिया जाए किसी तरह से बुला के? लेकिन उन लोगों ने अपनी जान की खातिर इसको कोई हाथ नहीं लगाया, उन्होंने जानवर को देखा है। किस जानवर को देखा? ऐसे जानवर जैसे कि बकरी होती है, बंदे की शक्ल में आता है, इंसान की शक्ल में आता है, कोई कुत्ते की शक्ल में आता है, कोई बकरी की शक्ल में आता है। तो क्या पता वो कुत्ता बकरी इंसान ही हो? वो हमने मालूम किया है ना, जब हम उनके करीब जाते हैं ना जी, तो वो वहाँ से चीज गायब हो जाती है, दूर वो चली जाती है जब मारती है। अब जब कोई बकरी इतना बड़ा जब तो नहीं मार सकती ना। खुद ब खुद अपनी जगह तब्दील कर देती। क्या पता छुप जाते हो पहले यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं छुपने की जगह है ही नहीं ना। अच्छा। है ना, छुपने की जगह होती तो हम मान लेते ये छुप जी, 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 जी। वहाँ पे छुपने की जगह कोई है ही नहीं, अब सामने ये पूरा खुला मैदान है। यहाँ पे हमने देखा उनको, हम टच करने गए तो वो वहाँ से निकली। जिन्नात आया हुआ है जिसके नीचे पैर ही नहीं थे, सांड से जो हमारी जो जो हाइट होती है उनसे भी ऊपर है, काफी लंबे हैं, लंबे हैं बिल्कुल, लेकिन उसको आप देखोगे तो उसके पांव थे ही नहीं। यकीन है आपको? यकीन है। आप गौर से देखा था? गौर से देखा था, पांव उसके थे ही नहीं। अंधेरे में ऐसा तो नहीं कि नजर ना आ रहे हो? नहीं, जब मैंने लाइट लगाई तो उसको ऐसे मुझे दिखने में आ रहा था कि उसके पांव थे ही नहीं और मुझसे काफी ऊपर थी।
और कहाँ पर नजर, कहाँ तक नजर आ रहा था वो? जैसे कि ये जोड़े है ना, हाँ, घुटने घुटने, हाँ, घुटने से उसके पांव थे ही नहीं, और वो ऊपर था, ऊपर था काफी लंबा, काफी लंबा। अब बड़े बड़े बाल उसके और आँखें उसकी बिल्कुल लाल। फिर तो खौफजदा हो गए हम, तो फिर उसी टाइम हम भागे। और उसने कोई बात, कोई पीछे आया, कोई बोला आपसे कुछ? कुछ नहीं बोला, बस ऐसे ही हम देखते ही, हम बस दिल में खौफ हो गया, उसी टाइम हम भागने लगे। तो बस तो, ये कब की बात है? ये तकरीबन काफी पुरानी बात है, ये भी इधर ही कुएं के पास ही, कुएं के पास ही हुआ है, ये भी इधर ही वाकया हुआ है। हम लोगों को इस पे बात पे कोई भरोसा है नहीं, लेकिन हमें पता है। नहीं, हम भरोसा कर रहे हैं, हम अल्लाह माफ करे, हम ये नहीं कह रहे कि आप झूठ कह रहे हैं, हम बिल्कुल मान रहे हैं इस बात को। हुआ भी हमारे साथ भी हुआ ऐसा कई बार, मैं कह रहा हूँ। देखो, अभी तक किसी ने कोशिश ही नहीं की ना कि भाई कौन हो, क्यों डरा रहे हो, तो पूछ लें कि क्या चाहते हो, क्या मसला हो गया। बात सही है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो गया तो फिर, क्योंकि टाइम बहुत काफ़ी हो गया, इस रात जो अभी आवर टाइम हो गया है, और हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, तो हम इस बात से डर रहे हैं कि कोई नुकसान हो जाए हमारा। अल्लाह ना करे, कोई भी वजह हो सकती है, वजह हो सकती है बिल्कुल। उनका नुकसान हुआ होगा तो वो अभी जो है ना तंग कर रहे हैं हमें। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले मसला नहीं था, पहले नहीं था, फिर अचानक हुआ, अचानक तो कोई गलती लगती है। बिल्कुल जी, तो अब वो गलती क्या है, उसका कोई नेमुल बदल है, कोई सद्दे बाब है, कुछ मसला का हल है? मैंने कहा इस कोशिश में अगर चल के पता करें साथ तो। लेकिन अभी तो लोगों ने छोड़ दिया इसको कि हमारा मजीद नुकसान ना हो। सब बहुत हो गया, अपन खाते कोशिशें कर ली हैं पहले बहुत सारी, ज़मीनें, काश्तकारी, फसलें, सब शायद कोशिशें कर ली हैं पहले, ऐसे थोड़ी कोई छोड़ता है। समझ भाई, अगर हम वहाँ जाएंगे जी, जी तो हमें नज़र आ जाएगी वो। हम तो नहीं जा रहे, आप लोग जाओ, लेकिन आप लोगों को हो जाएगा, आप यकीन, आप करो ना नहीं करो, लेकिन ये वाकयात हुआ है। आप जाओगे लेकिन आपको वो जिन्नात तंग करेंगे ही करेंगे, वो तो ये चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई आए। ये तो अभी उनका घर बन गया है ना, अभी उनका ये आस्ताना है यहाँ पे, मतलब किसी को अब नहीं छोड़ते, किसी के साथ कोई मसला हो जाता है, हाँ मकान किसी का बिला वजह नुकसान हो जाए, और ये अगर खुदा ना करता उसने जिन्नात ने जान ले ली तो। नहीं, हम वो गलतियां नहीं करते, हम एहतियात करते हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होती ना, हम बड़ी एहतियात के साथ जाते हैं तो, और हम जाते रहते हैं ऐसी जगहों पर। बिल्कुल, और जहां हमें महसूस हुआ ना हल्का सा भी जी, एहतियात के साथ हम वापस आ जाएंगे पीछे। लेकिन वो बात सही है, लेकिन वो पता नहीं अभी किस हाल में है, अगर शायद उसके बच्चे बाहर हो, कुएं के ऊपर ही रखो फिर। हाँ, तो हम दूर से ही महसूस, हम बोलते हुए जाएंगे ना, और हम बड़ी दूर से आए हैं ना, बड़ी दूर से आए हैं, जैसे आपका आवाज़ सुनेगी तो फिर आपको वहीं से डराना शुरू कर देगी, हम वहीं पीछे हट जाएंगे, वहीं से किसी ना किसी शक्ल में आपसे वाकई वो पेश आ जाएगा, हम वहीं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हुआ है बिल्कुल, हम हमारे को यकीन बिल्कुल, बिल्कुल हुआ होगा, और इसी वजह से हम आए भी हैं, इतना ऐसा रास्ते सफ़र करके आए भी हैं, तो एक लिमिट तक देखेंगे, उसके बाद नहीं चाहेंगे कि आप लोग जाओ वहाँ पे, काम वहाँ कोई नुकसान हो। और ये मोहब्बत है आपकी, मेहमान नवाजी है, मैं समझता हूँ, बस हमारे हमारा काम है, और बरए मेहरबानी हम अपनी जिम्मेदारी पर हमें करने दें, एक दूर से, और खुदा ना खास्ता अगर ज़रा सा भी कुछ महसूस हुआ ना, हम आपसे पहले पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं इसी रास्ते पे सीधा सीधा आप जाते रहे, आपको कुआं नजर आ जाएगा। और भाइयों, बहुत ख्याल रखना किसी इंसान, किसी जानवर पर, जो है ना, नोट करते रहना, समझ गए? तो बड़ा और रास्ता तंग हो रहा है, गाड़ी जाएगी आगे, वो कांटे टकरा रहे हैं। अब यार इसमें से कैसे निकाल दूं गाड़ी, राइट करो थोड़ा सा, उधर भी कांटे हैं, सब दोनों तरफ कांटे हैं। आउच, ये झाड़ियाँ, आई हाय, झाड़ियाँ क्यों लगाई हुई कमरों के पास? आउच, ये भानु किया हुआ है, ये कांटे हैं, ये कांटे ही हैं। झाड़ियों में मैंने बकरी का बच्चा देखा, यहाँ कहाँ से आया? यहाँ गायों से, यहाँ क्या काम था? तो गया कहाँ? अभी तो यही देखा था हमने, वो सामने, सामने, नहीं नहीं, यहाँ क्या कर रहा है? कैसे बैठा हुआ था अभी?
अब ये कौन सी आवाजें? अभी चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। पांव कैसे हैं इसके? कुत्ता है, बकरी का बच्चा है? पांव कैसे हैं इसके? समझ, पांव देख रहे हो? कितने लेटे पे पांव है यार। मुझे चला गया था, हमें की तरफ गया था क्या? कोई 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 कैसे ना आ गया है? उठ 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 उठ, कहाँ जा रहा है? कहाँ गया? कहाँ गया? टटेरी सर पर आ गई है यारी, मेरे सामने वहाँ गया। इस टाइम पर इसका क्या काम है यहाँ पर? हैं छोटा बच्चा गई समझ, आवाजें आसपास से देख के देख के देख के देख के देख के तेजी में क्या समझ, अभी तो यहाँ था, उधर इधर लाहौर गया कहाँ ये? हाँ इधर निकलो, इधर इधर वो देखो, वो देखो, वो सामने, वो देखो, वो देखो समझ, वो देखो आया 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 कॉट किया, वो नहीं आ रहा समझ, वो नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें कुछ है। सज्जाद भाई ये जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, ना जाए पीछे, नहीं जाते पीछे, नहीं पीछे। देखा वो, देखा सामने, वो देखा रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड हुआ, वो देखो वो सामने, वो देखो, वो देखो समझ, वो देखो, देखा देखा आया 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 रिकॉर्ड किया, वो नहीं आ रहा समझ, वो ना कहाँ लेके जा रहे हैं हमें पीछे। सज्जाद भाई ये जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं, ना जाए पीछे, नहीं जाता था पीछे, नहीं पीछे जाना नहीं है। अभी हुआ क्या है? हमने वहाँ देखा, अभी अपने आंखों के सामने देखा ना, देख के पीछे काटे, हमने वहाँ देखा, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारे पीछे है। पांव कैसे है इसके? समझ, पांव देख रहे हो? कितने लेटे पे पांव है यार। पहले हमने यहाँ देखा, वो हमारे पीछे था, उसकी स्पीड देखी थी। मैं क्या बोलूं सर, अभी भागा हूँ पीछे। ये हो क्या रहा है यार? अभी तो आया, 5 मिनट भी नहीं हुआ भाई, सब कुछ थम नहीं गया। अभी कैसे सब जानवर शोर कर रहे थे? साथ रहना, किसी जानवर के पीछे नहीं जाना है। इसलिए हमने वहाँ देखा ना, यहाँ देखा, वो उधर गया था ना पीछे, तो क्या इतनी जल्दी ये घूम के आ सकता है यहाँ से? नहीं है, कांटे ही कांटे है सज्जाद भाई। जहाँ कौन बकरी का बच्चा जाएगा समझ, कोयले जलाए भाई जान जी, कुछ भी नहीं, आग लगाई हुई है, यहाँ कौन बकरी का बच्चा जाएगा? और ये यहाँ हमारी आंखों के सामने गया, हम इसको देखने आ रहे हैं, तो ये वो वहाँ पहुँचा हुआ है। उस भाई ने क्या कहा था? बंदे की शक्ल में आता है, इंसान की शक्ल में आता है, कोई कुत्ते की शक्ल में आता है, कोई बकरी की शक्ल में आता है। तो क्या पता वो कुत्ता बकरी इंसान ही हो? वो हमने मालूम किया है ना, जब हम उनके करीब जाते हैं ना जी, तो वहाँ से चीज गायब हो जाती है, दूर वो चली जाती है। जब मारती, अब जब कोई बकरी इतना बड़ा जब तो नहीं मार सकती ना। जो हमने देखा है वो रिकॉर्ड हुआ है हमारे पास? हाँ रिकॉर्ड हुआ है, बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ है। अभी वो बकरी का बच्चा आगे था, वो पीछे, मतलब क्या था वो यार, था क्या? इसी में से आवाज आई जी जी जी, पक्का इसी में से आवाज आई जी? सज्जाद भाई इसी में से ही आई, कांटे लगा के ताला है, ये ताला लगा हुआ, ताले लगे हुए बाहर, वो ताले के ऊपर वो लगाए हुआ समझ। अभी सब कुछ लगाया हुआ है इन्होंने, ताले लगे हुए हैं। क्या मिल रही है सज्जन भाई? सारी हवा भी इतनी तेज नहीं चल रही जिससे हवा है। ये वही कमरे है जी? वही कमरे चल गई आवाज आई ना, आई ना आवाज। भाई अभी तो हम कुएं पर नहीं पहुंचे, उसके अतराफ में ये हाल है, कोई है नजर आ रहा है इसमें से? ये मेरे पांव से हिला या दरवाजे से हिला है? दरवाजे से। आसपास देखो, इसके आसपास देखना, कोई रास्ता है?
ये रास्ता है। ये खिड़की बंद है? जी बंद है, खिड़की बंद है। उधर से यार जगह गड़बड़ ही कांटे हैं भाई, जगह गड़बड़ है वैसे। इसका हाल तो देखिए, इसके अंदर से कैसे यहाँ भी आ गए। चप्पल है कितने सारे, समझ में दोनों दोनों जोड़ियाँ। अरे एक दो तीन चार पाँच छह, तो कुत्ते भी ले जाते हैं। अपने पीछे तो देखे, चलो ये। अरे भाई दो चार छह आठ दस बारह तेरह, वो सामने चौदह, वो देखो आगे देखो, समझ में तो बात खत्म होने वाले हैं। तो जो यहाँ आया जूते छोड़ के भागा है। एक बात बताऊ, समझ देखिए एक बात बताऊ, ऐसे जूतों को तो कुत्ते भी ले जाते हैं ना, तो जानबूझ के तो नहीं रखेगा यहाँ पर। दोनों दोनों जोड़ियाँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई काम कर रहा था और एकदम। भाई कौन है? क्या सर भैया, हवा से भी हो सकता है यार ये। देखो हिला के देखो उसको, मैं बहुत जोर लगा रहा हूँ समझ पे। देखो ये शायद हवा से हो, लेकिन ये हवा से नहीं हो सकता था यार। ये खुला हुआ है, इसके अंदर देखो तो सही है क्या? खुला हुआ नहीं है, ताला लगा है। ताला तो लगा हुआ है, इसके अंदर झांक के तो देखने की कोशिश करो। लाइट दे, देखो लाइट दे, देखो कमर कमर से लगा रहा है। ओह माय गॉड, ऊपर भाई छत पर से लगा रहा है। ओह माय गॉड, ऊपर भाई छत। अभी हम कुएं पर नहीं पहुंचे हैं, कुएं के पास है। ये हो क्या रहा? कुछ मैं डर गया यार, मुझे तो भागते हुए आ रहे हैं हमारी तरफ। ये कैसी आवाज थी है? हम यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, मिलने आ। दीवार कोई ठोक रहा है, क्या कर रहा है, या कोई खुदाई कर रहा है? किस तरह की आवाज है? हम ना यहाँ खुदाई करने आए हैं, ना यहाँ रहने आए हैं। समद भाई सही बोल रहे हैं, सजद भाई खुदाई हो रही है। ऐसे छत पे कोई है भाई? मैं वही कह रहा हूँ, भारी भारी चीजें ऊपर गिर रही हैं। एक सेकंड सर, अपना समद भाई यहाँ ऊपर से देखें, क्या ऊपर चढ़ते? सजद भाई अगर ताला तोड़े कोई एतराज तो नहीं करेगा? जिन लोगों से बात की हमने, इधर क्या एतराज होगा समझ भाई? इधर कोई कुछ एतराज नहीं होगा, लेकिन ये होगा समझ कमरन में, फिर लगाना पड़ेगा नया ताला। ऊपर से मार ऐसे, वो बात सुन रहे है? बात सुन रहे ना कर, ना कर। दुआ पर नहीं कमर, नहीं नहीं दुआ पर, दुआ पर, दुआ पर, दुआ भाई नहीं कमर, दुआ पर। लाहौल बुला को तिल्ला बिल्ला लो, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर दुआ पर, दुआ पर, दुआ पर समझ भाई, दुआ पर। ताला ना तोड़वाओ यार, ऊपर से मार। वो इसको खुल गया है भाईजान, वो देखें इसके मारने पे वो खुल गया है, ठीक है? है सही। ये क्या हुआ है इसके साथ? पत्थर उठाने की वजह से झटका तो नहीं आया है? हो भी सकता है, या तो पत्थर उठाने की वजह से झटका आया, या फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अल्लाह है, अब सही है, पढ़ते रहना भाईजान। आपने खोल दिया था, चेक करें। खुल गया ना, खुल गया ना, हाँ
खुल गया है ना? ताला तो खुल गया है। झाड़ियाँ हटाओ ये। ताला खोला जान निकाल दी यार, जान निकाल दी भाई। ये क्या फंसा हुआ था ऊपर? ना तो ये फंसा हुआ था भाई। बिस्मिल्लाह। अभी कपड़े बाद नहीं लगाना। अल्लाह। हाँ समझ, बहुत बहुत सारे कपड़े हैं इधर, वो देखो बहुत सारे कपड़े हैं यार लोगों के। किसका गुस्सा उतार रहे हैं हम पर? क्यों डरा रहे हैं हमें? बैल गुस्से में नहीं, नाक से आवाज निकालता। गुस्से में जब बिफरा हुआ जा, ये सुना सुना तो ये क्या है? क्या सामने देखो, खो बनी हुई है तो कोई कब बना हुआ है कहाँ? समझ भाई, वही कह रहा हूँ, कोई खो का रास्ता नहीं था जैसे गारों के अंदर ऐसी झाड़ियों से रास्ता बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ है, ये बन गया है खुद ही। यहाँ तो चलते हुए भी डर लग रहा है कसम से। कुएं पे चले भाइयों, पीछे कुआं है, खया उधर ना चला जाए कोई डर से, ठीक है? मैं दिखा दूं, उधर आओ। ये देखो, ये दरख्त के बाद बाउंड्री समझना, दरख्त के ऊपर इस तरफ ना आ जाए। लाहौल वाला कुवत इल्ला बिल्लाह इल्लल्लोजी। देखो क्या चीजें जा रही हैं भाई। अभी कुछ चीज उड़ती थी, ये क्या परिंदा था? क्या था? मत ये यूं गया बुलेट की तरह। हाँ ये देखें आप, दरख्त वही कह रहा हूँ, वो दरख्त भी अंदर ही उगा हुआ भाई, कुएं के अंदर ना। थोड़ा सा पीछे रहना भाई। हाँ ये देखें, ये दरख्त आखिर किसी से क्या गलती हुई है यहाँ पर भाईजान? यार मुझे तो कुएं से ज्यादा आसपास महसूस हो रही है ये मखलूकात। सर बात ये है कि एक किला होता है ना सजाद भाई, फौजी किले के बाहर ही होती हैं। समझ रहे हैं आप बात को? समझ भाई, कामरान भाई सजाद भाई, जरा देख के कांटे बहुत हैं यहाँ पे झाड़ियों में। मुझे लग रहा है कुछ मिलेगा हमें यहाँ पर। यार वो सही कह रहे थे, इधर आना। ये हाल है जी कुएं के अंदर का। यहाँ पर ओए ये क्या? क्या ठीक है? ओए समझ, आराम से, कमांड बाउंड्री है, बाउंड्री है, समझ आराम से प्लीज। पीछे आओ यहाँ पर। ओए ये क्या? क्या ठीक है? ओए ओए समझ आराम से, समझ आराम से प्लीज। पीछे आओ। अच्छा कमांड भाई, क्या था ये? कोई चीज हमारे पास से कूद के गई है। ना लो भाई, नहीं ले रहे, नहीं ले रहे दादा। भेड़िए की आवाज आ रही है। हाँ होंगे। भेड़िए ये सुनते हो आवाज? यार ये है ना, ये ऐसा लगता है कि वो सांस लेते हैं ना तेजी से, फुंकाले गुस्से वाली सांस से जानवर लेते हैं। ये कहाँ से आ रही है? ये कौन है? कौन? उल्लू 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 ये देखिए, ये बैठा हुआ सामने है ना। कहा पहले आपको मैंने बोला था, जब भी है उल्लू है ना जी, उल्लू है।
लेकिन ये फुनकारने की आवाज इनकी तो नहीं थी? नहीं नहीं नहीं, इनकी नहीं थी। ये लाइट लगी है ना, चेहरा भी उस तरफ किया है इसने। बड़ी रेयर जगहों पे होते हैं जी, आम जगहों पे नहीं मिलते आपको। उल्ला आंखें देखे, आंखें डर लग रहा है मुझे। ये बैक साइड है इसकी, कौन सी दिखाईगा? नजर आ रहा है कमरा कहाँ है? यही पी आ गया कमरा तो। वही एक बात बताओ, हमें फुंकारने की आवाज से आ रही थी जोर, उन्होंने क्या कहा था? यहाँ पर बड़ा सांप भी है। सांप भी बड़ा भाई, वो तो नहीं है सामने। और डरा रहे क्या? नहीं डरा जाओ, क्या है वो? झाड़ियों में नहीं जाओ, झाड़ियों में वैसे सांप होते हैं। निशान है देखे किधर, वो सामने किधर? सामने स्याह फुल ब्लैक को नीचे जमीन में। इधर आते भाई, ओ भाई दूर है, ज्यादा दूर है। आप लेट दे, ये फुंकारने की आवाज हुई थी ना। देखो यार, सांप फुंकारता या गाय बैल गुस्से में अपने नाक से आवाज निकालती है? गाय बैल है नहीं तो बचे सांप। इतनी भारी आवाज सांप की, जिसे कितना तेज फुंकारने की आवाज आती है, सुनी थी ना? होता भी है बड़ा काफी। ये बैक साइड है जी इसकी, मुझे बताएं कहाँ से कोई जाएगा इसमें? नजर आ रहा है ये वो दो कमरे हैं जी, ये इसकी बैक साइड है। यार ये भाईजान इधर आए, ये इसको काट काट के क्यों रखा हुआ यहाँ पर? इतनी क्यों आग लगाई है इस जगह पर? बाबा बहुत अल्लाह, वो देखो वो देखो वो देखो यार, यहाँ उल्लू बैठे हुए थे। उल्लू था ना? जी जी देख रहे ना, बहुत उल्लू है यहाँ पर। वो कहते हैं अल्लाह माफ करे, ये अच्छी निशानी नहीं होती, बाकी फसल बर्बाद है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सही कह रहे थे कमरान भाई, समझ भाई। दादा ये फसल का हाल देखो, बर्बाद। ये देखो यार, इसके कुएं के साथ ही फसल है भाईजन, वाकई बर्बाद है। नजर आ रही है? जी ये दिखाओ, सिर्फ खुश्क। यार किसने खोदा है इतना? अच्छा समझ गए, इस दरख्त पे कोई पत्ता नहीं है, पूरा खुश्क है। खुश्क है दादा, उधर पहुंचो जरा कामरान भाई जी। और जिसके ऊपर कोई पत्ता नहीं है ना जी, पूरा खुश्क है। पता है ना क्या होता है? हाँ पता है भाई। समझ भाई को अपने साथ करें सर, जब भी आगे। हाँ हाँ समझ भाई साथ, समझ भाई साथ ही जाए। बिस्मिल्लाह भाईजान, मुझे जवाब दें ये क्यों खुश्क है पूरा? सर ये नोट कर रहे हैं आप, इस पहाड़ पर ये जितने हैं ये सब खुश्क हैं। कैसे? सिर्फ कांटे हैं, सिर्फ कांटे हैं। देखो ये क्यों, ये पहाड़ी के ऊपर की जगह है ना। कौन है? हम यहाँ किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए, मिलने आए हैं आपसे बहुत दूर से। हो रहा है कुछ, होते हो रहा है इन झाड़ियों में। ओए देखा देखा, मैंने कहा ना ये जो खुश्क जगह है ना, आगे जाके देखोगे आप पूरा बहुत ज्यादा है। यार इनमें कौन चल रहा है? कोई जानवर भी नहीं चल सकता इनमें तो। नहीं, कुछ भी सुन रहे बिल्कुल भाई। यार एक तो ऐसा लगता है ये कांटे भी लगे हुए ना, कोई ऐसा लग रहा पकड़ रहा है जैसे। आप जरा इधर रहो, इधर समझ लो, आप भी इधर रहो बराए मेहरबानी। ये रास्ता कहाँ जा रहा? हमें डराए मत, हम बहुत दूर से मिलने आए हैं आपसे। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो माफी तलाफी कर लें, किसी एक की गलती की सजा सबको ना दें। कि जंगली जानवर है क्या? इस तरफ देखते हैं भाई, उस तरफ तो आगे आना। ये भी भाई इसी तरह का बना हुआ है। हाँ यार मुझे ये चीज अमेज कर रही है, हैरान कर रही है भाई। सब खुश्क है, ये चेक कर रहे हो आप समझ भाई? ऐसी जगहों से आवाज आ रही है जहाँ इंसान तो दूर कुछ जानवर भी नहीं हो सकता। कामान भाई नहीं, दुआएं पढ़ रहे हो ना? ये दुआएं जो हम पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, आपके लिए नहीं पढ़ रहे।
कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत से नहीं पढ़ रहे अब। चल 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 ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे यार। ये क्या है जल भाई? बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं। सज्जाद भाई जनाब, इतनी देर से जाहिर ही कर रहे हैं मैं। अस्सलाम वालेकुम। यार इन कमरों में क्या है? बाहर ताले लगे हुए हैं, खिड़कियां बंद है। लेकिन ये ऊपर क्या है? अपना कौन है? वही क्या सामान भाई ऊपर दांत है क्या है? कमरे के ऊपर सर था इतना लंबा। अल्लाहु अकबर। उसने क्या कहा था? पांव नजर नहीं आते हैं। ये खंबे के ऊपर सर था काला, उसके लाल दांत थे, लाल आंखें थी। रिकॉर्ड हुआ है? हुआ है सज्जाद भाई, मेरे पास तो हुआ है। मैंने जूम किया है, मैंने कब से मैं जूम कर रहा हूँ। मैंने बोला है क्या ये चीज? जिन्नात आया हुआ है जिसके नीचे पैर ही नहीं थे। सांड से जो हमारी जो जो हाइट होती है उनसे भी ऊपर है, काफी लंबे है। लंबे है बिल्कुल, लेकिन उसको आप देखोगे तो उसके पाँव थे ही नहीं। यकीन है आपको? यकीन है। आप गौर से देखा था? गौर से देखा था, पांव उसके थे ही नहीं। अंधेरे में ऐसा तो नहीं कि नजर ना आ रहे हो? नहीं, जब मैंने लाइट लगाई तो उसको ऐसे मुझे दिखने में आ रहा था कि उसके पांव थे ही नहीं और मुझसे काफी ऊपर थी। अल्लाह, नहीं देख, नहीं देख, नहीं देख, नहीं देखो, नहीं देखो, नहीं देखो इसको। बैठे बैठे बैठे, खुल गए सब खुल। तौबा तौबा तौबा, और मेरे खुदा, मत नहीं हो रही किस गेट को बंद करे यार। छोड़ दो उसको, इसे सुबह में उठा के वो खुद बंद कर देंगे। किधर है? जी जी जी, देखा है? देखा है बिल्कुल भाई। क्यों आ गया दोबारा? जंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। पीछे नहीं जाता था, पीछे नहीं। ओह माय गॉड, ऊपर चीजें जा रही हैं यहाँ पर। ओए ये क्या है? क्या आराम से बाउंड्री है, बाउंड्री है समझ, आराम से प्लीज पीछे आओ। लेकिन ये ऊपर क्या है? क्या अपना कौन है? वही क्या सामान भाई ऊपर दांत है क्या है? ओए ओए समझ कामरान क्या मखलूक है सारे पूरा कमरे के ऊपर सारा तोमर तक पर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो रिकॉर्ड हुआ है? रिकॉर्ड हुआ है? ओए ओए किया हुआ है, मैं कब से देख रहा हूँ।